belongs with its derivatives. तले डेरिवेटिव क्या आसला स्किन नो ना हेयर नेल्स किंबा बार्ड मानन करो कौन फिदर किंबा चम्फर की जो सब पंजा क्लॉज नहीं से गुडा सब तार डेरिवेटिव देखो द डेरिवेटिव सच एज ता पर पॉइंट लेखो द डेरिवेटिव सच एज हेयर नेल्स फॉर इफ यू आर फॉर कमा देख लिख फिदर युवा सब तार इतने बर्तमान आम कोर्स केवल अच्छे स्किन बर्तमान हेडिंग दि जाऊ स्किन स्किन हूँ आम बॉडी सब लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन लेख स्किन इज द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन यार सरफेस एरिया के सरफेस एरिया टू मीटर स्क्वायर यदि कन्वर्ट करवा 21.5 फीट स्क्वायर लेख लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बुझिपा लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट ऑर्गन इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बुझिपाल तार सरफेस एरिया पर पॉइंट लेख ए सरफेस एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर और 21.5 फीट स्क्वायर बुझिपाल तार थिकनेस ना 1 to 2 mm यदि पर्टिकुलरली एटा नीटे पके थिला एटा थरे 1.2 करिवो एवरेज करिवो ने 1.2 mm हले गे बुझियाला तले हमें वर्तमान देखिबा स्किन नो लेयर्स ता पर पॉइंट लेखो स्किन इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स आउटरटा कोन कोन दी ना एपिडर्मिस लेखि दउची आउटर into 3 layers outer ta kon di lekha ta tal ko lekhibo outer is known as epidermis middle ta tal ko lekhibo middle is known as dermis and inner is known as hypodermis bujhela outer lekha palu ta lekhibo 1 2 3 kariki आउटर एपिडर्मिस मिडिल इज डर्मिस एंड इनर इज हाइपोडर्मिस बुझला बुझी पार ना नहीं तापर एपिडर्मिस हेडिंग दिया जाओ एपिडर्मिस आकु कोई परिवार की इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किडनी स्किन तले हेडिंग दियो एपिडर्मिस तो बुझी पार ना रे बुझन हाइपोडर्मिस बा एपिडर्मिस डर्मिस आ हाइपोडर्मिस हमें एपिडर्मिस हेडिंग दबा गोटे गोटे लेयर विषय पढ़ा आउटर मान ऊपर हमें स्किन नो ऊपर मलिचम आउटर टा को एपिडर्मिस तापर मिडिल टा ता तल को रही डर्मिस तापर हाइपोडर्मिस बुझे लगे तले एपिडर्मिस आगे बुझो कौन ना एपिडर्मिस हूँ प्रथम तो हूँ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन यहाँ को ब्लड सप्लाई ना न था ना इट इज अवास्कुलराइज ना मैंने विदाउट एनी ब्लड सप्लाई ह्यूमन एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स पांचटा लेयर रही था बुझेल कि नहीं मन रखा ना स्ट्रैटम कॉर्नियम कॉर्नियम यूएफ सेकेंड लेयर स्ट्रैटम
लुसीडम। थर्ड लेयर को कौन कह ना स्टार्टम ग्रानुलेसम। फोर्थ लेयर को कह स्टार्टम स्पिनोजम। फिफ्थ लेयर को कह स्टार्टम बासाले। बुझला मन रहा स्टार्टम माने हूँ लेयर कॉर्नियम लुसीडम ग्रानुलेसम स्पिनोजम बासाले एटा मन रही पार ना रही पार्बन। देख तुम जो मेसेज सांग मानक टाइप कर तोर कौ कलेज सी एल जी लिखो ना कलेज शैलवा किए कह शैलवा सी एल जी एस बी है स्टार्टम कॉर्नियम स्टार्टम लुसीडम स्टार्टम ग्रानुलेसम स्टार्टम स्पिनोजम स्टार्टम बासा मन जीव लिखि सूत्र कलेज शैलवा लेख ह्यूमन एपिडर्मिस इज डिवाइडेड इनटू फाइव लेयर्स पांचटा लेयर कौन कौन टिके लिखि तलू तल स्टार्टम कॉर्नियम कौटा लिखि कॉर्नियम सी ओ आर एन ई यू एम कॉर्नियम तापर लिख स्टार्टम लुसीडम तापरे लेख स्टार्टम ग्रानुलेसम तापरे स्टार्टम पिनोजम एंड स्टार्टम बासाली। बुझे आई डबल आई करी लिख ओके प्रथम तीन टा लेयर डेड हो जाए डेड लेयर यही तीन टा लेयर डेड लेयर मा सेल गुड़ा सब नॉन लिविंग यही स्पिनोजम आउ बासाले हूँ लिविंग लेयर। बुझी पाल ना नहीं तमरे प्रथम तीन टा लेयर कहीं डेड हो जाए ना ये कॉर्नियम लेयर रे गोटे प्रकार प्रोटीन थाए ता ना हूँ केराटिन प्रोटीन यहाँ मुझे लिभे लिखले भल कॉर्नियम रे गोटे प्रोटीन थाए ता ना हूँ केराटिन प्रोटीन आगे बुझ तापरे लिख लुसीडम रे सेमती गोटे प्रोटीन थाए ता ना हूँ एलिडिन प्रोटीन ग्रानुलेसम रे भी गोटे प्रोटीन थाए ता ना हूँ केराटो हाइलाइट कौन ना केराटो हायलाइट तमाने यही तीन टा प्रोटीन जो जगह रहती से सेल गुड़ा को सब मारी दियो। बुझेगा कि नहीं तम दीजा तो फाइब्रस प्रोटीन आम जो सेल बायोलोजी जो पढ़ से जानवेगा सब फाइब्रस प्रोटीन कौन ग्लोबुलर प्रोटीन कौन वाटर सल्युबल प्रोटीन कौन इनसल्युबल कौन प्राइमेरी कौन सेकेंडरी स्ट्रक्चर कौन टर्शियरी क्वार्टरनरी एम सब जान तेरी एटा हूँ दीजा द कौन फाइब्रस प्रोटीन केराटिन प्रोटीन टा जो रहा आमर सेल को डेड कर दिए ये तीन टा जंग भी सी तेल ये क्वेश्चन आसूरी केराटिन प्रोटीन टार कौन हाइलाइट पॉइंट ना आमर खाद्य नली रे जो एंजाइम अच्छी से ब्रह्मांड रे सब सब प्रोटीन को डाइजेसन कर दे पार किंतु केराटिन प्रोटीन को डाइजेसन करना आवर डाइजेस्टिव एंजाइम इज इनकैपेबल टू डाइजेस्ट कौन केराटिन प्रोटीन। बुझे देखी थो ये हेयर कि गोटे कौटी जो खाद्य रू बाहर कहीं फोपाड़ दिखती किरागंती कहीं ना ये लगे हेयर रे केराटिन प्रोटीन थाए सी डाइजेसन हो पारे ना सी गला मान से देख जो मैंने सब डग कि कौन गोटे पाराफरा खाई थे फिकल मैटर में कौन बाहर ना पर उड़ा कहीं डाइजेसन हो पारे ना। बुझे कि नहीं से भाला ये स्पिनोजम आउ बासाले जेहेतु लिविंग लेयर जेहेतु एटा लिविंग लेयर आकु कहती यटा को मिसेकी कहती कौन ना स्टार्टम जर्मिनेटिव एक्स्ट्रा पॉइंट लिख
एक्स्ट्रा पॉइंट लिख स्टैटम कॉर्नियम कंटेन लिखो स्टैटम कॉर्नियम कंटेन्स ए फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन प्रोटीन कॉर्नियम रे गोटे फाइब्रस प्रोटीन थाए ता ना होजी केराटिन प्रोटीन स्टैटम कॉर्नियम कंटेन्स ए फाइब्रस प्रोटीन स्टार दे के एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिवो फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन प्रोटीन बुझेना स्टैटम कॉर्नियम कंटेन्स ए फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन प्रोटीन देखिलो तापर आउ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखो स्टैटम लुसिडम कंटेन्स ए अनदर फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड एलिड्रिन लिखि पारला ना नहीं एलिड्रिन ए लिखा है बोर्ड सब लिखिक लिख स्टैटम लुसिडम ने गोटे प्रोटीन थाए ता ना होजी एलिड्रिन तापरे सेमि लिखिबो स्टैटम ग्रानुलोसम हाँ स्टैटम ग्रानुलोसम ऑल्सो कंटेन्स ए अनदर फाइब्रस प्रोटीन सब टेक्निकल लिखुना लुसिडम तीर मारिक ये लिख तुम्हें बुझीज सब शुणी थो ना बुझ केराटो हाइलाइन प्रोटीन बुझा कि नहीं कह सारे स्पिनोजम बाथेलर को प्रोटीन थाए ना से सब प्रकार ग्लोबुलर प्रोटीन थाए तार किसी हिसाब ना सब प्रकार प्रकार यहाँ कहीं फाइब्रस प्रोटीन बोलिक लिखुं लिमिट कौन डेड करदे बोल बुझे कि नहीं लिख फर्स्ट थ्री लेयर आर डेड सेल्स लिख फर्स्ट थ्री लेयर्स आर ए आर आर डेड सेल्स बुझे कि नहीं तापरे स्पिनोजम बासाले लिविंग सेल लिख दियो स्टार्टम स्पिनोजम एंड बासाले आर लिविंग सेल्स कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स बुझीगला समस्त बुझी पार तमें सब ऑनलाइन बुझी पार ना नहीं आज्ञा सर स्पिनोजम आउ बासाले ता लिविंग सेल ताले स्पिनोजम आउ बासाले सेल डिविजन हो पार लिविंग माने से जर्मिनेट हो पारे तेणुक ये दीटा लेयर को कह जाए स्टैटम जर्मिनेटिव आउ गोटे एक्स्ट्रा पॉइंट लिख स्टैटम स्पिनोजम एंड स्टैटम बासाले टुगेदर नोन एज स्टैटम स्पिनोजम एंड स्टैटम बासाले टुगेदर नोन एज स्टैटम जर्मिनेटिव लिखि दौचे आपको कहते स्टैटम जर्मिनेटिव बुझेला बा ताको डिस्कवर करथले माल्फीजी तांको नारे भी कह जाए स्टैटम माल्फीजी अंडरलाइन करो एटा परीक्षा रे पड़े स्टैटम माल्फीजी ताको डिस्कवर करथिबारु ताऊ तांको नारे बुझेला कि नाही अच्छा आउ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख ए केराटिन प्रोटीन डिपोजिशन हवा को कुआ जाए केराटिनाइजेशन ऑफ कॉर्निफिकेशन लिख प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन इज कॉल्ड बाय इज नोन एज कौन कह केराटिनाइजेशन केराटिनाइजेशन भी कहा जाए कॉर्निफिकेशन बुझेगा कि नहीं समस्त बुझ पार जदि गोटे सेल केराटिन प्रोटीन गुड़ा डिपोजिशन है कि ताहल ताको हमें कौन दी केराटिनाइजेशन बा कॉर्निफिकेशन बुझेले नहीं
এই কেরাটিন প্রোটিনটা ডিপোজিশন হব কাহা উপরে নির্ভর করে না পরিবেশ যদি ড্রাই এনভায়রনমেন্ট হব কিংবা ভিটামিন সি উপরে বি নির্ভর করে বুঝে সরি ভুল কই দিলাম ভিটামিন এ উপরে নির্ভর করে দুইটা জিনিস উপরে নির্ভর করে যদি ড্রাই এরিয়া হব তাহলে কেরাটিন প্রোটিন ডিপোজিশন হব যদি ভিটামিন এ আ উপরে বি নির্ভর করে বুঝলে কি না যদি মনে করো তুমি কইব স্যার তাহলে অ্যাকোয়াটিক অর্গানিজম মানকর কাহার কেরাটিন নথিব না নথিব কেবল টেরেস্ট্রিয়াল অ্যানিমাল মানকর কেরাটিন প্রোটিন থাকে স্কিনে আউ ভিটামিন এ টা বি উপরে বি নির্ভর করে কেরাটিন প্রোটিন ডিপোজিশন হবে বুঝলে কি তাহলে মতে এটি বুঝাই দিও তাহলে যৌ মানে জলভাগরু স্থলভাগকু প্রথমে আসিলে বোধে তাঙ্করি পাখরু কেরাটিনাইজেসন অর কর্নিফিকেশন স্টার্ট হয়ে দিব কেউ মানে আসিলে আমফিবিয়ান্স তা লেখ এক্সট্রা পয়েন্ট আমফিবিয়ান্স আর দ ফার্স্ট গ্রুপ অফ অ্যানিমালস amphibians are the first group of animals where keratinization or cornification started bujhela sei manankatru keratinization start heitla তেমকরি আমফিবিয়ান্স মানে কেতবেলে কেমিতি পানি কু পলান্তি কেতবেলে কেমিতি উপর কু পলাই আসান্তি তেমকরি সেই মানক তো তাঙ্ক বডিটা কেরাটিনাইজেশন টিকে টিকে আরম্ভ হয় তাহলে ট্রু কেরাটিনাইজেশন প্রকৃতরে বডি ভারি কেরাটিনাইজেশন কো অ্যানিমাল মানক তো আরম্ভ হলা না তা উপর যে উপর কে না সরীসৃপ রেপটাইলস মানে তা উপর নুই কি তা উপর বার্ড তা উপর মামালস নুই কি তেমকরি ট্রু কেরাটিনাইজেশন পরীক্ষায় পকাইছিলা True keratinization are found in the class Reptilia. Reptile sarisrup manank dre pura tang skin bhari keratinize. Bujhele ki? Invertebrates mane sabu non keratinized skin. Hello. Lekho true keratinization. True T R U E true keratinization are found in class রেপটাইলিয়া এ সব তা ক্লাস রেপটাইলিয়া বুঝলে কি নাই ট্রু কেরাটিনাইজেশন আর ফাউন্ড ইন ক্লাস সিএলএ এস এস ক্লাস রেপটাইলিয়া আমফিবিয়া রেপটাইল এমান সব তা ক্লাস না বুঝলা তাহলে তুমি এটি মন ভিতর কোশ্চেন মামাস মামাস আউরি কেরাটিনাইজ তাহলে ফিস ফিসেস যে মানে সব পানি রহতি তাঙ্ক বডিটার কেরাটিনাইজ হয়ে নথিব প্রকৃতরে বি হয়ে নথায় কিন্তু গোটিয়ে ফিস যার না হচ্ছে টিলিয়ট ফিস টিলিয়ট টিলিয়ট হচ্ছে গোটে মেরাইন বনি ফিস সব সমুদ্রে বাস করুথবা মাছ মানে হচ্ছে কার্টিলেজিনাস নাকি সমুদ্র লবণ জলে যে মাছ পাম্পলেট কি যে মাছ খাউছ সব কাটিলে জিনিস নে কাটিলে তাঙ্ক বডে নাই সেমানক বোন থাকে কিন্তু লবণ যে মানে সমুদ্র নদী পোখরী এমানে সব বনি ফি নাকি তেমকরি টিলিয়টা গোটিয়ে কেবল মেরাইন ফিস তা দেহরে বি বোন থাকে তার যেতবে ব্রিডিং সিজন আসিব সম এরিয়াজ অফ দায়ার এপিডার্মিস তাঙ্কর এপিডার্মিস সব প্যাচ 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 হয়েকি স্কিন গুড়া সব কেরাটিনাইজ হয়ে যায় তা ব্রিডিং সিজন সময় সে যে প্যাচ প্যাচ হয়ে যায় তাকু কহতি পল অর্গান কম কহতি পল অর্গান এমস রে গোটে কোশ্চেন পকাইছিলা যে পল অর্গানস আর ফাউন্ড ইন অপশন থিলা টিলিয়টস বুঝলা তাঙ্কর ব্রিডিং সিজন সময়রে টিলিয়ট ফিস মানকর বডি রে বা স্কিন রে কেতে গুড়িয়ে এরিয়া প্যাজ প্যাজ হয়েকি হয়ে যায় তার কাম কর না তার কাম হচ্ছে টু আট্রাক্ট দ অপোজিট সেক্স তাকে আমার বায়োলজিরে কহতি হেডোনিক ফাংশন বুঝলে কি নাই লেখ সে কথা
नो केराटिनाइजेशन आर फाउंड इन, नो केराटिनाइजेशन आर फाउंड इन फिशेस, फिश मानकर बॉडी केराटिनाइज नुहे बट एथिरे लेख बट सम फिशेस लाइक टिलियर्स, some fishes by like tiliots, tiliots hala comma dekh lekho, some areas of their epidermis, some areas 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 of their epidermis tanko epidermis of kichhi kichhi area re become keratinized, some areas of their epidermis become keratinized, buji parlo tame sab buji parchana re tale keratin nai jabo sei jo area gura ko kon kon di sei lekha sidre lekha that areas are known as, sei area gura ko kon di pearl argar, हला पॉल ऑर्गन पाखरे ब्रैकेट करके लिखी दियो हेडोनिक फंक्शन, हेडोनिक फंक्शन माने कौन, हेडोनिक, हेडोनिक फंक्शन, हेडोनिक फंक्शन माने हो जी टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, बुझे लगे नहीं, हला ये गला दिस इज ऑल अबाउट योर एपिडर्मिस, एटा आ वास्कुलर लिखे ना नहीं ब्लड वेसल नहीं प्रथम प्रथम लिख दिवो, प्रथम सेंटेंस लिख न दिवो लेकिना सेई कोडे ऊपर ऊपर लिख दियो एपिडर्मिस आ वास्कुलराइज माने विदाउट एनी ब्लड वेसल, जोडी आ वास्कुलराइज माने होची आ वास्कुलराइज ब्रैकेट करके लिखो विदाउट एनी ब्लड वेसल, हला एपिडर्मिस को, एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई हे नथाय, बुझेले कि नहीं। अच्छा आउ गोटे क्वेश्चन मोर मन पड़ी गला जे एई जो स्पिनोजम आउ बासाले लेयर रे भल से बुझो, एई स्पिनोजम आउ बासाले लेयर रे जो लिविंग सेल माने रहिथांती सेमानंकर एई टाइप रो एठी सब रहिथांती कोन ना एठी निश्चय तमे निजे को मने पका आमे पढ़ी थिले स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम दी प्रकार थिला, गोटे होची स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज आउर थिला स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज, तडा केराटिनाइज एपिथेलियम तले ओपरटा थियो स्क्वामस सेल मिडिल गुडा थिवो कोनो ना क्यूबोडल इनरटा सॉरी मिडिलटा पॉलीगोनल और पॉलीहेड्रल थिवो आ इनर सेल कोन थिवो इनर दीटा लेयर कोन थिवो ना क्यूबोडल, ए जो क्यूबोडल एपिथेलियम रो सेल गुडा एमिति कंटा बलिया परस्पर फुटी के रही थी कंटा बलिया ता माने एटा मन कर एटा लास्ट बासाल लेयर मोटे बासाल लेयर चित्र कर सेल गुडा सब एमिति रही थे क्यूबोडल एपिथेलियम परस्पर कंटा बलिया फुटी के रही थे कंटा बलिया फुटी के रही आपे प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुड़ा सब एम फिंगर भाई छंदी रही थे कंटा भाया फुटिक रही थी आर ना हूँ पिकल सेल्स, क्वेश्चन थे पकड़ा जे पिकल सेल्स आर फाउंड एपिडर्मिस ऑफ स्किन, लास्ट एक्स्ट्रा पॉइंट लिखी दिखा डर्मिस को लिख द इनर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, the inner layer of epidermis has sentence tade bhul likhlo the cells of inner layer likhen the cells of likhi diyo the mithai diyo the cells of inner layer of epidermis are interconnected by
आर इंटरकनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, इंटरकनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस कॉल्ड प्रिकल सेल्स, कॉल्ड प्रिकल सेल्स प्रोसेसेस, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस पिकिल सेल, अंडरलाइन कर पिकिल सेल को, से सेल गुड़ा कह जाए पिकिल सेल कंटा बोले फुटी एक रोज जंदी बोली की बुझे लेकिन नहीं कहाँ पर हेडिंग दिया जाए वो डर्मिस, ये एपिडर्मिस हो पर एथी कॉन्सेप्ट प्लस टू आउनिट डर्मिस लिखा जाओ हाँ मेटल दे दीजिए ना दे सारी थी हार्ड कॉपी जो दरकार है दे देवी हार्ड कॉपी तुम नेक्स्ट क्लास बुधवार नहीं आसी हाँ दे दीजिए तीन मस पठे दीजिए ग्रुप रे आउ थे पठे देवी पठे देवी तापर मो नंबर भी तुम मैंने रखीज डायरेक्ट जो मटेरियल लिखी पारना मटेरियल मगेब नहीं जीव यही व्हाट्सएप नंबर पठाओ किसी ना गाँ लिखा दरकार ना खाली यार लर्निंग एठिकार नंबर लिखीद यही नंबर मागिद माग सका मागिदेवि जा रात दसटा दिह कहीं आ रात नौटे मागिले भी दसटा पर दिह दसटा पर मटेरियल पठेदे यही नंबर है 7008365442 बायोलॉजी मटेरियल नोट यही नंबर है मैं सीधा कह मुठिकार ये मत यही जिनस दरकार परिचय है जोटा लिखि पारे ये तो मुझे पढ़े सारापर पिला असाइनमेंट आने मटेरियल दिए जो मैंने सॉफ्ट कॉपी नेब तो भल लिखिदेव चेक करदेव जब हार्ड कॉपी दरकार मत यही मटेरियल यही भी क्लास पूर्व दिन मागिद मुझे क्लास पूर्व दिन एनी कस्ट आणिक तुम क्लास को लेकिन आसती तब नंबर जेरेक्स करदेव कले लेख डर्मिस डर्मिसा कह यहाँ कौट एपिडर्मिस तले थी ना ऊपर थी डर्मिसा यहाँ कौट मेडिल ना ना तले एपिडर्मिस तले थी ना ऊपर थी एपिडर्मिस तले थी ना ऊपर थी तले थी ताले यही टाइप चित्र टे करदे जदि यहीटा है एपिडर्मिस यही एपिडर्मिसा पांचटा लेयर गला एक दुई तीन चार पाँच पांचटा लेयर गला ये गोटे मझे लिभेद पांचटा लेयर तापर आसला डर्मिस तापर आसला हाइपोडर्मिस तलुक तो मस्कुला लेयर रहा मस्कुला मस्कुला टिश्यू रहा तापर बोन थी है कि तेणुक लेख इट इज द मिडिल लेयर ऑफ स्किन लेख इट इज मिडिल लेयर ऑफ स्किन आउ एठी एपिथेलियल टिश्यू नथिबे इट इज मिडिल लेयर ऑफ स्किन ताले एटा को टिश्यू रे तयारी ना लेखो इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रे तयारी आउ एपिथेलियल टिश्यू रहिबो ने कने एपिथेलियल टिश्यू तो आउटर रहे मिडिल लेयर रहि परिबो लेखो इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बुझी पाल ना हला ताले एटा निजे दीटा लेयर देखो आउटर टार ना होची पापिलारी लेयर एई डर्मिसटा एटा मन कर डर्मिसा नहीं एटा तो हाइपोडर्मिस सॉरी सॉरी एतिक बाटा डर्मिस आउ एतिक होची हाइपोडर्मिस आमे परे ता कथा ठीक करिबा ई डर्मिसटा निजे दीटा लेयर काटि दबा ए डर्मिस निजे दीटा लेयर आउटर लेयर ना होची पापिलारी लेयर कहब सारे कौन कहीं की है ता ना पापिलारी लेयर ना ये सेल गुडांकर सब माने पापिला भाया जो जीभ ऊपर जो नहीं एलिवेटर ताको पापिला
সেই ভাইয়া সেল সরফেস থাকে বলি লেয়র না হচ্ছে পাপিলারি লেয়র আউ তল লেয়র না হচ্ছে রেটিকুলার লেয়র লেয়র হ্যাঁ লেখ ডর্মিস ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু সাব লেয়র ডর্মিস ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু টি ডব্লিউ টু সাব লেয়র তাহলে আউটরটা কি হইছিব আউটরটা কি হইছিব ডর্মিস ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু সাব লেয়র লিখল আউটরটা কি হইছিব সব এসইউভি সব লেয়ার্স এস লাগিব আউটরটা কি হইছিব পাপিলারি রিনোটা রেটিকুলার লেখ আউটর ইজ নোন আজ মানে পাপিলারি উপরে এপিডর্মিস অছি মনে রাখতা লেখ আউটর ইজ নোন আজ পাপিলারি লেয়ার হ্যালা ইনর ইজ নোন আজ রেটিকুলার লেয়ার তলুক লেখ ইনর ইজ নোন আজ রেটিকুলার লেয়ার বুঝি গেলে কি নাই বুঝি পারল না নাই তাহলে বর্তমান হেডিং দিয়া যাও পাপিলারি লেয়ার তা উপরে পদে লিখি দবা পাপিলারি লেয়ার তাহলে পাপিলারি লেয়ার কোন না পাপিলারি লেয়ার কো টিস্যুরে তৈরি লেখ এটি তো আউটার লেয়ার অফ ডর্মিস কটিয়া সেন্টেন্স লিখি দিও দেখো আউটার লেয়ার অফ ডর্মিস এ কো টিস্যুরে তৈরি না এটা লুজ কানেকটিভ টিস্যু তুমি তো কানেকটিভ টিস্যু পড়ি না খালি মনে রাখিছা কানেকটিভ টিস্যু ই ডিভাইডেড ইনটু থ্রি পার্ট থ্রি ডিভিজন গোটিয়ে হচ্ছে এমব্রিওনিক কানেকটিভ টিস্যু আমি যেতে মার গর্ভাশয়ের থাকা আম বডিরে যে কনেকটিভ টিস্যু থিব তাকু কন্দি এমব্রিওনিক কনেকটিভ টিস্যু আমি জন্ম হয়ে সারা পরে আম বডিরে রিপ্লেস হয়ে যাব আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু ফেরে দি প্রকার গোটে হচ্ছে লুজ আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু আর গোটে হচ্ছে ডেন্স আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু বুঝে গেলে কি নাই লুজ আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু ফেরে দি প্রকার খালি কানরে বাজি থাও নেক্সট পড়িবা গোটে হচ্ছে এরিওলার কনেকটিভ টিস্যু আউ গোটে হচ্ছে অ্যাডিপোজ কনেকটিভ টিস্যু ডেন্স আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু অলসো টু টাইপস গোটে হোয়াইট ফাইব্রাস কনেকটিভ টিস্যু আউ গোটে এলো ফাইব্রাস কনেকটিভ টিস্যু হলে কি এইটা পাপিলারি লেয়ার ইজ মেড আপ অফ এরিওলার কনেকটিভ টিস্যু লুজ আডল্ট কনেকটিভ টিস্যু পার্টিকুলারলি এরিওলার কনেকটিভ টিস্যু তৈরি হ্যাঁ লেখ ইট ইজ কম্পোস্ট অফ বা ইট কনসিস্ট অফ তারপর পয়েন্ট লেখ ইট ইজ কনসিস্ট অফ কোন না লুজ অ্যাডাল্ট কনেকটিভ টিস্যু ইট কনসিস্ট অফ লুজ অ্যাডাল্ট কনেকটিভ টিস্যু কো সিটি লিখি দউচি ইট কনসিস্ট অফ লুজ অ্যাডাল্ট কনেকটিভ টিস্যু ব্র্যাকেট করি কি লিখি দবা আমি তো জানিছেন লুজ অ্যাডাল্ট কনেকটিভ টিস্যু দুই প্রকার গোটিয়ে হচ্ছে কোন না এরিওলার আর গোটে হচ্ছে অ্যাডিপোজ তাহলে এটি অ্যাডিপোজ ফ্যাট থাকে না এরিওলার থাকে না এটি এরিওলার কনেকটিভ টিস্যু থাকে এরিওলার কনেকটিভ টিস্যু বুঝি পারল না নাই লুজ অ্যাডাল্ট কনেকটিভ টিস্যু কো পার্টটা থাকে না কো ডিভিজনটা থাকে না এরিওলার থাকে বুঝলে কি নাই আচ্ছা আউ কোন আর হাইলাইট পয়েন্ট না গোটে প্লস টু পরীক্ষায় গোটে কোশ্চেন পড়ে যে এই পাপিলারি লেয়ার রে গোটে প্রকার টচ রিসেপ্টর সেল থাকে তোমাকে মনে কর কে টচ কলা তুমি কেমন জানিপারছ না তোম স্কিন র ডর্মিস রে ডর্মিস র পাপিলারি লেয়ার রে গোটে প্রকার র গোটিয়ে লেয়ার মানে গোটে প্রকার র সেল থাকে টচ রিসেপ্টর সেল সে টচ কলা মানে সে জানদেবে ব্রেন কু পঠাই দেবে খবর তার না হচ্ছে মেজিনাস কর্পাসকলস কম কহতি মেজিনস মিজনস কর্পাসকলস হ্যাঁ লেখ পাপিলারি লেয়ার কন্টেন্স বুঝি বুঝিকি লেখ মনে রয়েছে পাপিলারি লেয়ার কন্টেন্স এ টাইপ অফ পাপিলারি লেয়ার কন্টেন্স এ টাইপ অফ টচ রিসেপ্টর সেলস টচ রিসেপ্টর সেলস
Maginot corpuscles by Maginot cells. Toys receptor cell तरह ना होची Maginot cells by Maginot corpuscles. हमारा biology रे Maginot हमारा cell को corpuscles को आ जाए हाँ biology रे को आ जाए तो वो जो type of toys receptor cell तक कौन थी Maginot cells ये Maginot cell डा परिघरे पकाए Maginot cell डा वो जो toys receptor cell ना प्रेशर रिसेप्टर से मुझे ला ताप लेकर और एटिकुला लेयर एडिंग दिया और एटिकुला लेयर हमें जो ले बुले पाठा पढ़ जो नहीं प्लस टू आ वेंट्रा डी डाउ कवर को ये पढ़ जो नहीं रेटिकुलर लेयर अरे रेटिकुला लेयर टा कोट इफ़ रहती कोट इफ़ ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये लूज थला थला डेंस कनेक्टिव टिश्यू मुझे लगी नहीं लिखो इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस अडल कनेक्टिव टिश्यू हमें कनेक्टिव टिश्यू पहले क्लियर है जीवो जानिबो ता परे अछि डेंस अडल कनेक्टिव टिश्यू ब्रैकेट करके लिखो खाली डेंस अडल करके आगे ब्रैकेट करके लिखी दियो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कना डेंस अडल कनेक्टिव टिश्यू पे दी प्रकार गोड़े व्हाइट फाइब्रस गोड़े येलो फाइब्रस ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रहता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ब्रैकेट करके लिखी दियो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो टेंडन फेना छै उडा बुझियो लेग नहीं तउ करी एथिरे गोटे प्रकार रो रिसेप्टर सेल थांदी से प्रेशर मापिबा को मन कर तम को हाबो गोडे नदा तम गोडे जिंस धरा हाबो ता ऊपर आ गोडे जिंस धरा तम प्रेशर हे माने आ नै परिबे बलन बुझबा जना नै तम करी प्रेशर टा किमि दोउ जी ना